Hi everybody. Today we are going to discuss about the conduct and duties of a doctor in witness box. यानी कि जब कभी किसी डॉक्टर को कोर्ट में एविडेंस देने के लिए जाना पड़ता है, एविडेंस रिकॉर्ड कराने के लिए कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, तो उस वक्त उसका जो कंडक्ट है, उसका जो आचरण है, उसका जो अखलाक है, उसकी जो ड्यूटीज हैं, उसके जो कर्तव्य हैं, वो कौन कौन से हैं, किस तरह से डॉक्टर को जाके कोर्ट में स्टैंड होना चाहिए, किस तरह से कोर्ट में उसका बिहेव होना चाहिए, कैसे जज के प्रति या सामने वाले वकील के प्रति या अपने एडवोकेट के प्रति उसका अखलाक और व्यवहार होना चाहिए, या पब्लिक जो देख रही है उसको, उसके प्रति या उनकी नजरों में किस तरह से आपका अखलाक जो है वो सही साबित हो, तो वो सब बातें आज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं. कंडक्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर इन विटनेस बॉक्स. देखिए, जब डॉक्टर विटनेस बॉक्स में जाता है, यानी कि गवाही देने के लिए, एविडेंस के लिए कोर्ट में हाजिर होता है, तो उस वक्त जो है आपका कुछ ऐसी प्रिपरेशंस करके जाना चाहिए या कुछ प्रिकॉशंस जो है वो आपका कोर्ट के अंदर रखनी चाहिए, जिससे आपकी एविडेंस में या आपके अखलाक पर कोई दिक्कत ना आए और वो आपका विटनेस बॉक्स में आपकी हेल्पफुल हो. वो सभी बातें, वो सभी तैयारियां जो आपका विटनेस बॉक्स के अंदर आपके लिए हेल्पफुल हो, वो कौन कौन सी है. नंबर एक पर आता है आपका, शुड डॉक्टर शुड प्रिपेयर विद ऑल डिटेल्स अबाउट केस, क्वेश्चंस, लिटरेचर स्टडी ETC. क्यों? यानी कि डॉक्टर को सभी चीजों के प्रति जो है वो आपका प्रिपेयर होके जाना है, सभी रिकॉर्ड्स के साथ उसको हाजिर होना है, क्योंकि वहां पर अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है उसको बात करनी है, अपनी एक्सपर्टाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको बात करनी है या बताना है, क्योंकि आप जो है क्रॉस एग्जामिनेशन से भी गुजरेंगे. तो क्रॉस एग्जामिनेशन से आसानी से आप निकल सके, क्रॉस एग्जामिनेशन आपका आसानी से हो सके, तो इसीलिए आपको हर उन चीज से, हर उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह से तैयार अपने केस की पूरी स्टडी करके तब आपको कोर्ट के अंदर हाजिर होना चाहिए, ताकि आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कोई परेशानी ना. नंबर टू, टेक ऑल रिकॉर्ड्स, यानी कि रिलेटिव रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट, एक्सरे, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, ETC. यानी कि आप जब कोर्ट के अंदर हाजिर हो तो अपने साथ केस से रिलेटेड तमाम वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो उस केस से रिलेटेड हो. यानी कि जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी कॉपी आपके पास हो, इंजरी रिपोर्ट है उसकी कॉपी आपके पास हो, डेथ सर्टिफिकेट अगर कोई आपने जारी किया है तो उसको, वो सब रिकॉर्ड्स, एक्सरे रिपोर्ट कोई है तो वो भी आपके साथ, यानी कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो केस से रिलेटेड है वो सब आपके साथ होने चाहिए. नंबर तीन, डू नॉट डिस्कस टू एनी अदर आउटसाइड पर्सन. जब आप कोर्ट में जाए तो किसी भी आउटसाइड पर्सन के सामने अपनी कोई भी बात जो है, केस से रिलेटेड बात, किसी अदर पर्सन के सामने डिस्कस ना करें. हो सकता है अपोजिट पार्टी का कोई आदमी आपके आसपास हो और वो आपसे कोई क्ल्यू हासिल करके अपने एक्यूज के फेवर में उसको जाके अपने अपोजिट पार्टी के वकील को जो है वो इन्फॉर्म करे, जिससे आपको कोई दिक्कत आए. तो इसलिए आप जो है केस से रिलेटेड कोई भी डिस्कस, केस से रिलेटेड कोई भी बात जो है किसी अदर पर्सन के सामने डिस्कस ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने एडवोकेट के सामने ही वो सारी बातें डिस्कस करें जिससे, जिसने आपको कॉल करके बुलाया है, ताकि जो है आपको कोई आगे परेशानी ना हो. जब आप कोर्ट के अंदर जाएं, कोर्ट के अंदर हाजिर होने से पहले आप बाकायदा अच्छे लिबास में, बी वेल ड्रेस्ड, अच्छे लिबास में जाए, क्योंकि यू आर ए डॉक्टर. जज के सामने जब आप पेश हो तो आप वेल ड्रेस्ड होने चाहिए, और विटनेस बॉक्स में जाकर, विटनेस बॉक्स में जब जाएं तो आप बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ, मॉडेस्टी के साथ जो है वो आपका सीधे खड़े हो. नेक्स्ट, बी रिलैक्स्ड, काम एंड नॉट फ्रेटेंड और नर्वस. बिल्कुल रिलैक्स रहें, बिल्कुल शांत रहें, किसी तरह का कोई भी डर दिमाग में ना रखें, अपने ब्रेन को स्वतंत्र रखें, फ्री रखें, और जो है आपका
किसी तरह का कोई दिमाग के अंदर वहम या डर वगैरह नहीं रहना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए आपको, और ना ही आपको नर्वस घबराना चाहिए। नेवर अटेम्प्ट टू मेमोरीज। किसी भी चीज को जब आप गवाही शुरू हो तो आपको अपने ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जो है सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर उसके बजाय आप जो है बजाय ज्यादा सोचने के आप जो है अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम रिकॉर्ड, जो भी आपके पास उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स वगैरह हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं या कोई बुक्स वगैरह है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी किसी तरह से, आप जो है रिकॉर्ड लेके उसको आप इत्मीनान से पढ़ें, क्योंकि कोर्ट आपको परमिट करता है, कोर्ट आपको इजाजत देता है कि अगर आप कहीं पर उलझ रहे हैं, कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो आप ज्यादा सोचे मत, बल्कि आप उसको डॉक्यूमेंट को लेकर जो है आप अपना, नेवर अटेम्प्ट टू मेमोरीज, यानी कि दिमाग पर ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज देखनी है तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं उसको किसके जरिए, फ्रॉम बुक्स, रिपोर्ट्स, लिटरेचर वगैरह, क्योंकि ये कोर्ट आपको परमिट करती है, आप उसमें आराम से देख के तभी आप अपनी बात का जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट, स्पीक स्लोली, डिस्टिंक्टली, ऑडिबली। आप जब अपना बयान शुरू करें तो बहुत आहिस्ता से, स्लोली स्लोली, और आवाज बिल्कुल क्लियर आपकी होनी चाहिए और हियर्ड हो, ताकि जज साहब जो है वो आसानी से उसको सुन सके, क्योंकि जज साहब या उनके असिस्टेंट आपके जो बयान हो रहा है उसको वर्ड टू वर्ड जो है वो आपका नोट करते चलते। तो इसलिए बहुत तेजी ना करें, बहुत स्लोली बोले, आराम से बोले, ताकि जो है आपका बयान जो है वो आसानी से रिकॉर्ड हो सके। तो जज कैन इजीली हियर्ड एंड रिकॉर्ड योर एविडेंस विदाउट टेकिंग एनी पॉज, यानी कि बीच में आपको उनको ये कहने की जरूरत ना पड़े कि ठहरो हम जरा नोट कर लें, बल्कि आराम से धीरे धीरे उसको इतने आराम से बताइए ताकि जो है वो आसानी से जज साहब तक आपकी आवाज जा सके। नेक्स्ट, लुक प्यूपिल इन द आई, जो सामने लोग बैठे हैं उनको भी हमेशा नजरों में रखें, जो कोर्ट के अंदर पर्संस बैठे हैं उनको भी आप नजरों में रखें, कि उनके सामने मतलब उनको ये महसूस हो कि आप जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी से कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका, यूज सिंपल लैंग्वेज। जब आप अपना बयान दे तो उस वक्त बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, जहां तक मुमकिन हो सिंपल लैंग्वेज में बात करें, और कोई भी ऐसा टेक्निकल वर्ड्स जो जज के या वकील की समझ में ना आए, ऐसे वर्ड्स से गुरेज करें, अवॉइड करें ऐसे वर्ड्स को बोलने से, ताकि जो है आपकी बात आसानी से नोट की जा सके और जो है आपका समझी जा सके। जहां तक भी पॉसिबल हो, कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड्स वगैरह या किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ना बोला जाए, जैसे कि भाई इसके जिस्म पर जो जख्म का निशान है वो बहुत गंभीर है तो वो सिंपल, लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ा के ना बोले, बल्कि जो जनरली है, जो नॉर्मली है, वही चीज जो है उसको बयान करें। अपना कोई भी बयान जो है इतना बढ़ा चढ़ा कर ना बोले जो वो ओड लगे, बुरा लगे, देखने में महसूस हो। अवॉइड सुपरलेटिव्स एंड एग्जैगरेशन, यानी कि मैंने भी आपको बताया कि अपनी बात को बिल्कुल सिंपल तरीके से रखें, उसमें कोई चीज बढ़ा चढ़ा के फालतू बातें ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अवॉइड डिफरेंस बिटवीन योर रिकॉर्ड एंड योर टेस्टिमनी, यानी कि जो बातें आपसे पूछी जा रही हैं या जो रिकॉर्ड में आपने पहले कराया है या आपने स्टेटमेंट में दिया है, उसमें कोई खास यानी कि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द मेडिकल नॉलेज ऑफ द लॉयर, यानी कि अपोजिंग लॉयर जो आपके सामने लॉयर है उसकी मेडिकल नॉलेज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि बहुत से लॉयर इतने एक्सपर्ट होते हैं मेडिकल लैंग्वेज के अंदर, मेडिकल सब्जेक्ट के अंदर, कि उनका कोई सानी नहीं होता, उनका कोई जवाब नहीं होता। तो इसलिए आप ये मत समझे कि ये सिर्फ एक एडवोकेट है, बल्कि क्योंकि एडवोकेट्स को भी एक सब्जेक्ट ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ाया जाता है, उसमें भी मेडिकल से रिलेटेड कुछ बातें बताई जाती है। तो इसलिए कभी भी अपोजिंग लॉयर को अंडर एस्टिमेट ना करें उसकी, किसको, मेडिकल नॉलेज, क्योंकि वो भी एक्सपर्ट जो है मेडिकल मैन हो सकता है, उसको नॉलेज हो सकती है, आप सिर्फ उसको वकील ना समझें। बी प्लीजेंट, पोलाइट एंड कॉर्टियस टू द लॉयर
यानी कि जो आपसे सवालात कर रहे हैं अपोजिंग पार्टी के वकील जो हैं उनके प्रति बिल्कुल प्रेजेंट रहे, अनुकूल रहे, पोलाइट रहे, यानी कि विनम्र रहे और बिल्कुल शांति से उनकी बातों को सुने। और जो है चूंकि ये आपके एक प्रोफेशनल जो मैनर है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। आपका जो खुद का पेशा है वो एक ऐसा पेशा है, बहुत इज्जत का पेशा होता है, तो प्रोफेशनल मैनर एंड जनरल बिहेवियर इज इम्पोर्टेंट। ये दोनों चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि आपका मैनर, आपका अखलाक सामने वकील से बात करते वक्त उसकी एक छाप सामने एडवोकेट पर पड़नी चाहिए, अपोजिट वकील पर पड़नी चाहिए कि मैं कितना भी उकसा रहा हूं, कितना भी कर रहा हूं, तो ये अभी भी शालीनता से बात कर रहे हैं, तो आपको शालीनता से ही बात करनी चाहिए। डू नॉट अवॉइड एनी क्वेश्चन। अपोजिंग पार्टी का वकील आपसे अगर कोई सवाल कर रहा है, खासतौर से सवालात वो कब करते हैं, आपका क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, अगर आपको वो सवाल कर रहा है, कोई भी सवाल कर रहा है, तो उसको जो है आप अवॉइड ना करें। अगर आपका जवाब, आपको जवाब उसका नहीं मालूम है तो आप आई डोंट नो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा या सुन के भी अनसुना कर दे, ऐसा नहीं है। तो आप जो है क्या करें, आप जो है उसको अवॉइड ना करें, उसके किसी भी सवाल को अगर आपसे नहीं आता है तो आप सीधा कह सकते हैं आई डोंट नो। नेवर बिकम एजिटेट, एंग्री, रूड ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, यानी कि सवालात के दौरान कभी भी उत्तेजित ना हो, कभी भी उत्तेजित ना हो, गुस्सा ना करें, असिस्ट ना हो, रूड ना बने, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में जो अपोजिंग पार्टी का वकील होता है वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछता है, उसका मकसद आपको बेइज्जत करना नहीं है, बल्कि वो अपने पेशे के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति ईमानदारी है उसकी, वो अपने क्लाइंट के फेवर में आपसे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकलवाने की कोशिश करेगा कि जो उसके क्लाइंट के फेवर में जाए। तो इसलिए उसकी बातों को सुनो, इत्मीनान से सुनो, कोई एक्साइट होने की जरूरत नहीं, कोई जो है उसके ऊपर गुस्सा मत करिए, एंगर मत होइए, एजिटेट मत होइए, रूड मत होइए उसके साथ, अपना टेम्पर लूज मत करिए, क्योंकि अगर आप टेम्पर लूज करते हैं, आप एंगर होते हैं, तो उस सूरत में आपके मुंह से कोई भी गलत बात निकल सकती है जो आपकी एलिबाई को, आपकी गवाही को कमजोर कर सकती है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के ही आप जो है सवालों का जवाब दें और उनके क्वेश्चंस को आराम से सुन के बिल्कुल भी एजिटेट ना हो, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो एडवोकेट है, अपोजिंग पार्टी का एडवोकेट है, मैंने आपको अभी आपको बताया कि उसके उससे आपकी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, बल्कि वो उसकी पेशे की डिमांड है कि वो उस तरह के सवालात आपसे करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है उसकी बातों से, क्योंकि वो आपको इरिटेट भी करेगा, एनोइंग भी करेगा, आपके करेक्टर्स के ऊपर उल्टे सीधे सवालात भी करेगा, आपके क्वालिफिकेशन को भी नकारने की कोशिश करेगा, आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर भी सवाल उठाएगा, आपकी नॉलेज के ऊपर भी सवाल उठाएगा, तो आप उसकी किसी भी बात से एक्साइट ना हो, बिल्कुल काम रहे, बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन देखिए ऐसा होता है, ये डबल एज स्वॉर्ड की तरह होता है, दुधारी तलवार की तरह होता है। तो आप अगर गुस्से में, जल्दबाजी में कोई ऐसी बात कहेंगे तो जो आपके डिसफेवर में जाए, यानी कि आपकी एलिबाई को, आपकी एविडेंस को कमजोर करे और अपने उसके क्लाइंट को जो है मजबूती मिले, तो इसलिए बहुत सोच समझ के उसका बात का जवाब देना चाहिए। डू नॉट बी टू एनोक्सियस, ईगर टू फाइट, ज्यादा परेशान बेचैन होने की जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए एकदम से नहीं जाना है आपको, आपको पहले बहुत इत्मीनान से सुनना है। रिटेन इंडिपेंडेंस टू योर माइंड, अपने दिमाग को बिल्कुल आजाद रखिए, इंडिपेंडेंस रखिए अपने ब्रेन को, उसकी बातों को, ताकि आराम से आप सुन सके। जब आप अच्छी तरह से, आपका ब्रेन जो है इंडिपेंडेंस होगा, तभी आप सामने वाले के सवालों को समझ सकते हैं और उसका सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। डू नॉट आल्टर योर फाइंडिंग्स टू व्हाट इज सेड इन स्टेटमेंट, यानी कि सच्चाई, जो भी फैक्ट्स आपने अपने उसमें, अपनी रिपोर्ट्स के अंदर दर्ज किए हैं, रिपोर्ट्स में नोट किए हैं, उनमें कोई अल्टरेशन आप करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आपकी यहां पर भी एविडेंस आपकी जो है लूज पड़ सकती है, गवाही आपकी कमजोर पड़ सकती है। लिसन केयरफुल्ली द क्वेश्चंस, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क अगेन इफ नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।
सवाल जो आपका अपोजिंग पार्टी का वकील आपसे कर रहा है या जज साहब भी जो आपसे कोई सवाल कर रहे हैं, तो आप जो है उसके सवालों को बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली सुने, हेजिटेट ना हो। और दूसरे, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो उसमें आपको बेचैन रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उससे शालीनता के साथ दोबारा से पूछ लीजिए कि सर आपने जो सवाल पूछा है वो दोबारा से रिपीट कर दीजिए ताकि आपकी समझ में आ सके। जब आप अच्छी तरह से सवाल को समझ लें तभी आप उसका जवाब दें, क्योंकि जल्दबाजी करने से आपको नुकसान हो सकता है, आपकी गवाही को नुकसान हो सकता है। ऐसा कहीं किसी कानून में नहीं है कि आप किसी भी सवाल का जवाब बहुत तेजी के साथ दें। आप पहले जवाब को सुने, पहले जवाब को समझें, समझने के बाद ही आप उसका जो है जवाब दे, अदरवाइज पहले समझ ले उस सवाल, नहीं तो वो नुकसान हो सकता है आपके एलिबाई को। अवॉइड लॉन्ग डिस्कशन इफ पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो, जहां तक मुमकिन हो अपोजिंग काउंसिल से ज्यादा बहस ना करें, ज्यादा लंबी डिस्कस ना करें। सवालों के जवाब में कोशिश करें कि उनका जवाब आप हां या ना में दे दें, सिंपली हां या ना में कोशिश करें देने की। लेकिन अगर कोई बात जनरल पूछी जा रही है तो आप इत्मीनान से उसका शॉर्ट में जवाब दें, लंबा डिस्कशन करने की आपको जरूरत नहीं है, ना ही करना चाहिए। इफ द क्वेश्चन अनफेयर, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल गलत लग रहा है कि ये केस से रिलेटेड सवाल है ही नहीं है, इफ द क्वेश्चन इज अनफेयर, अगर सवाल अनफेयर है तो पहले आप अपने लॉयर को देखें, वॉच करें, उसके बाद भी अगर उसका कोई इशारा नहीं मिलता तो आप जज साहब की तरफ देखें, जज साहब उसमें कोई ऑब्जेक्शन उठाए नहीं उठाए तो कोई बात नहीं, उसके सवालों का जवाब आप देना चाहें तो दे दीजिए, अदरवाइज जो है आप जो है आई डोंट नो कह के बात को खत्म कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्कशन ना करें। डू नॉट ओवर एम्फेसाइज रिप्लाइज द क्वेश्चन फ्रॉम द क्रॉस एग्जामिनिंग लॉयर, यानी कि क्रॉस एग्जामिनिंग लॉयर के पूछे गए सवाल के जवाब में ज्यादा आंसर देने में जोर मत लगाएं, बहुत इत्मीनान से बहुत सुकून से उसकी बात को सुन के। कुल मिला के सारी बातें यहीं पर ही आ जाती हैं कि जो अपोजिंग काउंसिल का वकील है वो आपको कोई ना कोई ऐसी बात कहेगा जिससे आप चिढ़कर कोई गलत बात बोल देंगे और वो आपके डिसफेवर में चली जाएगी। तो इसलिए पहले सवालों को समझें, पहले सवालों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके उसके बाद जब आपकी समझ में आ जाए तभी आप उसका जवाब दें। अगर समझ में नहीं आते तो आप सवाल दोबारा पूछ सकते हैं, यदि आप दोबारा सवाल करिए हम ताकि आप समझ सकें, समझने के बाद ही उसका जवाब दें, एजिटेट बिल्कुल ना हो। यू मे यूज एन अपॉर्चुनिटी टू इंसर्ट ए पॉजिटिव पॉइंट दैट यू हैव ओमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। यू मे यूज एन अपॉर्चुनिटी टू इंसर्ट ए पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट अगर आपको लग रहा है दैट यू हैव ओमिटेड क्रॉस एग्जामिनेशन, इनके एग्जामिनेशन के दौरान अगर वो पॉइंट छूट गया है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, तो आप जो है उसको एड करा सकते हैं। नेक्स्ट आपका यू मे एक्सप्रेस एनी ओपिनियन एज पर योर नॉलेज स्किल एंड एक्सपीरियंस, आप जो है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग या अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक या अपने स्किल के अनुसार जो है आप कोई भी अपनी ओपिनियन जो केस से रिलेटेड हो, जो केस को पॉजिटिवनेस की तरफ ले जाती हो या किसी को यानी कि क्लाइंट को फायदा हो सकता हो, तो आपको अपनी ओपिनियन जो है वो जज के सामने रख देनी चाहिए। अगर आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको बयान कर रहे हैं या आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी कोई भी ओपिनियन जो है वो जज के सामने पेश कर सकते हैं, जज के सामने रख सकते हैं। डू नॉट बी ड्रॉन आउटसाइड योर पार्टिकुलर फील्ड ऑफ कॉम्पिटेंस, अगर आप किसी चीज में कॉम्पिटेंट नहीं है, आपके फील्ड से अलग कोई चीज आपके सामने आ रही है, तो आप जो है उसमें मत घुसिए, आप अपनी प्रोफेशन के मुताबिक ही अपना बयान दीजिए। एक्स्ट्रा फील्ड की तरफ जाकर आपको नुकसान हो सकता है, आपकी एविडेंस या आपकी गवाही जो है वो कमजोर पड़ सकती है। नेक्स्ट है आपका व्हेन आस्क्ड टू कमेंट अपॉन कॉम्पिटेंसी ऑफ ए कुलीग, अगर आपके किसी कुलीग यानी कि हम पेशा के ऊपर कोई कमेंट करने के लिए आपसे कहा जाता है, तो आप उसको पहली बात तो यह कि कोशिश ये करें कि उसको अवॉइड करें, कोई भी ऐसा इंसल्टिंग रिमार्क ना दें जिससे आपके पेशे के ऊपर कोई आंच आए या आपके पेशे के प्रति लोगों की नजर में कोई गलत बात आए। तो इसलिए जो है जब आपसे कोई अपने कुलीग के ऊपर हम पेशा के ऊपर कोई कमेंट करने के लिए कहा जाए तो आप कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी इंसल्टिंग वर्ड जो है उसमें इस्तेमाल ना करें, बचें उस चीज से जहां तक
पॉसिबल हो सके. एन एक्सपर्ट मे एडॉप्ट द पब्लिश्ड ओपिनियन ऑफ द राइटर्स ऑन द सब्जेक्ट एज हिज ओन ओपिनियन. द पब्लिश्ड बुक नीड नॉट बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट. अगर किसी बुक का रेफरेंस दिया जा रहा है तो जरूरी नहीं कि उस बुक को कोर्ट के अंदर पेश किया जाए. अगर जज साहब कहें कि नहीं आप इस पैराग्राफ को दिखाइए या इस स्टेटमेंट को दिखाइए किस बुक से लिया गया, तो आप जो है उसमें शो कर सकते हैं. अदरवाइज कोर्ट में उसकी कोई जरूरत पब्लिश बुक की दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है. व्हेन लॉयर प्रोड्यूस एंड पैसेज फ्रॉम टेक्स्ट बुक. अगर अपोजिट पार्टी का कोई वकील आपके सामने कोई पैराग्राफ किसी बुक का कोई रेफरेंस आपके सामने देता है और उसमें आपकी राय पूछना चाहता है कि आप ये बताएं कि यहाँ इस किताब में ये लिखा है और आप ये कह रहे हैं, तो आप जब तक उससे सेटिस्फाई ना हो, उस पैसेज से उस बात से सेटिस्फाई ना हो, तब तक आप कोई भी पॉजिटिव जवाब ना दें. अगर आप उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तब आप जो है अपनी राय, अपनी पॉजिटिवनेस, अपनी पॉजिटिव राय जो है ओपिनियन उसके अंदर दे सकते हैं. ए मेडिकल विटनेस नो प्रोफेशनल प्रिविलेज. यानी कि कोई उसको हम पे, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन का होने के नाते उसको ऐसी कोई छूट नहीं होती है, कोई ऐसी विशेषता उसके अंदर नहीं होगी या उसको विशेषता के तौर पर उसको नहीं छोड़ा जा सकता कि वो किसी सवाल का जवाब ना दे. इसलिए एक डॉक्टर को अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के मुताबिक हर तरह से सवाल का जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए जो उसके फील्ड से रिलेटेड हो या जो सवाल उससे पूछा जाए. अगर आप उस सवाल का जवाब नहीं जानते हैं या नहीं देना चाहते हैं तो आई डोंट नो कह सकते हैं, लेकिन जवाब आप जरूर दें, उसको अवॉइड ना करें. तो इस तरह से ये इतने पॉइंट्स जो हमने आपको डिस्कस किए हैं, तो ये सब के सब आपका, आपको जो है कोर्ट में मदद कर सकते हैं. यानी कि कोर्ट में आपका कंडक्ट और ड्यूटीज विटनेस बॉक्स के अंदर किस तरह से होनी चाहिए, तो ये सब चीजें, ये सब पॉइंट्स जो है आप ध्यान में रखकर ही कोर्ट में हाजिर हो. जब आपकी एविडेंस पूरी हो जाए, आपकी पूरी गवाही हो जाए, तो आप कोर्ट की परमिशन के बिना, यानी कि जज की परमिशन के बिना विटनेस बॉक्स ना छोड़ें. जज साहब की परमिशन लेने के बाद ही विटनेस बॉक्स छोड़कर आप बाहर आए. तो दीज ऑल आर द कंडक्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ए डॉक्टर इन विटनेस बॉक्स. अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए. और आप अगर कोई और जानकारी मेडिकल फील्ड से चाहते हैं तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. आगे आने वाली वीडियो में हम आपकी उस क्वेश्चनिंग को या उस समस्या को या उस बात को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.